नमस्कार, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ और स्पेशल बच्चे की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए ताकि बच्चा बड़ा होकर अपने दैनिक कार्य खुद कर सके और सक्षम बन सके, इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से स्पेशल बच्चों के लिए कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जो मैं खुद अपने बच्चे को 6 साल से लगातार अपने हाथों से एक्सरसाइज करवा रही हूँ और मुझे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिला है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार से आप भी अपने बच्चे को एक्सरसाइज के माध्यम से काफी सक्षम बना सकते हो और इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज है। मैं बच्चा जब लेटता है, सोता है, तो ऐसे पांव में क्रॉस रख के सोता है, तो बच्चे को ऐसे क्रॉस नहीं करने देना है पांव, इससे पैर खराब होते हैं। इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे के पांव को ऐसे, दोनों पांव को ऐसे चौड़ा करके और इसके बीच में जब भी बच्चा लेटता है तो ऐसे फोल्ड करके पिलो लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे के क्रॉस भी नहीं आएंगे और पांव को यहाँ से दबा के सीधा करके और कुछ टाइम के लिए वैसे वैसे भी रख सकते हैं। और जब भी बच्चा लेटता है, सोता है, नींद आ रही है, तो उसको इस कंडीशन में आप इस तरह से फिंगर है वो एडी के बिल्कुल नीचे और इस तरह से यहाँ हथेली से ऐसे स्पॉट लगा के और ऐसे बच्चे को कम से कम 20 या 10 काउंट करना है, जितना बच्चे को सहन हो रहा है दबा के रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार आप दूसरे पांव के भी इस पांव को दबा के रखो और इस पांव की इस तरह से वही एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार आप 5 या 6 बार करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बच्चे का एक पांव इस तरह से दबा लो और दूसरे पांव को जितना हो सकता है बच्चे को सूट हो रहा है इस पांव को दबा के रखना है, इस तरह से फोल्ड करके रखना है, जितना जा सकता है बच्चे का पांव धीरे 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 ऐसे दबा के रखना है और 10 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार से दूसरे पांव की इस पांव को दबा लो और इस पांव की ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रॉस के लिए। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक पांव को अपने एक पांव से ऐसे दबा के रखो और दूसरा पांव जितना इसका जा सके यहां से फोल्ड नहीं होने देना घुटने से और जितना जा सके ऊपर सीधा, बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अब धीरे धीरे नीचे ले आओ। इसी प्रकार नेक्स्ट पैर की, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 धीरे धीरे नीचे ले आओ। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 4 या 5 बार आप करवा सकते हो। अब देखो, देखने से आपको पता चल रहा होगा बच्चे के पांव
काफी रिलैक्स हो चुके हैं। ये भी क्रॉस के लिए है, बच्चे के दोनों पांव इस प्रकार से खड़े कर लो और इन पांव को यहां से दबा लो ताकि ये हिले नहीं, और धीरे धीरे जितना चौड़ा हो सकता है, बच्चे को रिलैक्स, ज्यादा परेशान भी नहीं करना है। जब मैं पांती हंसना नहीं है बेटा, आराम से जितना हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें दबाव लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको भी टाइटनेस काफी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15